हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं देने वाला हूं हमारे हाइड्रोपोनिक सेटअप की अपडेट और दिखाता हूं हमारे पौधे कैसे हो रहे हैं। तो 10-12 दिन हो चुका है पौधों को फाइनली, तो आज अपडेट देने का टाइम आ चुका है। तो चलते हैं सेटअप के अंदर और देते हैं आप लोग को अपडेट। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरा हाइड्रोपोनिक का सेटअप है और पेड़ हमारे काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रखे हैं। और टमाटर के पेड़ देख लीजिए आप, कितने बढ़िया हो गए, एकदम से ग्रोथ पकड़ी इनने और काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये। ये देख लीजिए, पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा होगा आपको सेटअप। और गोभी के पेड़ भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये हमारे गोभी के पेड़ हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे हो रखे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ हो रखी है इनकी। ये देख लीजिए आप और ये देख लीजिए। तो आपको पता ही, जो भी मैं नॉलेज देता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, पहले मैं खुद करता हूँ उसके बाद ही मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सारी मेरी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्रैक्टिकल है ये काम। तो पहले खुद कर रखा है मैंने, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सारे पेड़ देख लीजिए एक एक करके, ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए इनके पत्ते, देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं, पत्ते काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और ये देख लीजिए, तो सारे पेड़ हमारे बढ़िया और हेल्दी हो रखे हैं। तो फाइनली क्या है, इनकी जड़ें जो है नीचे पहुँच चुकी हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा पौधा है, तो इसकी जड़ें मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो ये देख लीजिए, जड़ें जो है नीचे पहुँचने के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो है, जो हमने कपड़ा लगा रखा है कॉटन का, ये गल जाएगा, ये सड़ जाएगा, सड़ने के लिए रेडी हो चुका है। ये भी सड़ रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो है पानी में रहते रहते सड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद। और दूसरे पेड़ की जड़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, इसकी भी ढेर सारी जड़ें निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल जो है न्यूट्रिशन जो है थोड़ी बहुत जड़ों से ले रहा है और थोड़ी बहुत कॉटनी कपड़े से न्यूट्रिशन ले रहा है ये। तो इसकी हेल्प फिलहाल कॉटन कपड़ा कर रहा है। उसके बाद जो है, जैसे इसकी जड़ें नीचे पहुंच जाएंगी सारी, उसके बाद जो है पौधा खुद से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा, फिर इसको कॉटन के कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप, तो उसको आसानी से नीचे डाल देते हैं हम ऐसे करके। तो ओवरऑल देख लीजिए आप हमारा पूरा हाइड्रोपोनिक का सेटअप, तो काफ़ी हरा भरा हो रहा है और कुछ पौधे जो है हमारे सर्वाइव नहीं कर पाए हैं अभी। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि ये पौधा है, तो होता क्या है कि जैसे हम दूसरे पॉट से या क्यारी से पौधों को दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, तो कुछ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ये भी है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इसकी जगह हम दूसरा पौधा लगाने वाले हैं अब कुछ टाइम बाद। तो हमने सोचा कि अब तक लग जाए, लेकिन ये लगा नहीं। तो वैसे एक पौधा हमारा ये है, तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अगर आप खेत में लगाओ चाहे हाइड्रोपोनिक सेटअप में लगाओ, तो कुछ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कुछ पौधे जो है लग जाते हैं आसानी से, क्योंकि उखाड़ने के बाद दूसरे को लगाना जो है थोड़ी एडजस्ट करने में पौधों को समय लगता है और कुछ पौधे एडजस्ट कर जाते हैं। तो आपको हमारा हाइड्रोपोनिक का सेटअप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको हमारा हाइड्रोपोनिक का सेटअप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अगर आप लोग भी ऐसी हाइड्रोपोनिक का अपने घर में सेटअप लगाना चाहते हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि ये कितने में बनता है, इसकी कॉस्ट कितनी है, बनाने में कितना पैसा लगता है, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और मैंने वीडियो डाली हुई है कि हमारा जो सेटअप है, मैंने कितने में बनाया है सेटअप, कितने रुपए लगे हमारे। और वीडियो हमारे ज़रूर देखना हाइड्रोपोनिक सेटअप की, कितने रुपये लगते हैं इसको बनाने में, क्योंकि ताकि आप, बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें, वो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं आप लोगों से। तो पहले हमारी वीडियोज़ देखें, उसके बाद ही आप अपना फ़ैसला लें। हमने फूल गोभी और जो है टमाटर के पेड़ लगाए हुए हैं, उसकी मैंने अपडेट दे रखी है पहले भी। तो मैं धीरे धीरे पौधों को दिखा रहा हूँ, जितने जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े हो रहे हैं, आप लोग को एक एक चीज़ की अपडेट दे रहा हूँ मैं। तो पौधे आपको सामने हैं, आपके रिजल्ट जो है आपके सामने है फ़िलहाल, तो आपको भी पौधे हेल्दी दिख रहे होंगे। तो एक एक पौधा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो सब जगह लेके चलता हूँ कैमरे को। तो ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए ग्रोथ देखिए पौधे की आप, कितना बढ़िया ग्रोथ हो रखी है इसकी। और ये हमारे जो हैं टमाटर के पेड़ हैं, तो ये भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, इनकी जड़ें जो है काफ़ी नीचे तक पहुँच चुकी हैं। तो ये है देखिए जड़ें, टमाटर के पौधे की जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, धूप में थोड़ी चमक रहा है। तो ये पूरी फैल चुकी है अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा देख के। तो इसको जो है इसके अंदर डाल देते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोग को सही जानकारी दे सकूं, आप लोग को मोटिवेट कर सकूं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूं आप लोग को, और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे।
यही मेरा मकसद रहता है वीडियो बनाने का। ये पौधे जो हमारे हैं वो पूरी तरीके से लग चुके हैं अच्छे से और काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी इसमें टमाटर आना शुरू हो जाएंगे, तो देख सकते हैं आप। तो ओवरऑल हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोग मोटिवेट हो अपने घर के आसपास गार्डनिंग वगैरह शुरू करें, हाइड्रोपोनिक का सेटअप वगैरह लगाएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।